हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेके आए प्लेइंग विद नंबर्स, दैट इज फॉर क्लास 8 चैप्टर नंबर 16। बिफोर दिस टेस्ट हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके एक्सरसाइज 16.1 एंड 16.2 दो एक्सरसाइजेस अपलोड की थी। दिस ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज बेस्ड ऑन दैट ओनली, क्लियर, उसी के बेस पे है। सो प्लीज दिस ये 8th स्टैंडर्ड के लिए फर्स्ट टेस्ट है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़े फिर उसका आंसर दें। और मेनली ये मैथ्स की टेस्ट है, तो आप लोग को एक रफ नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, ताकि या पेंसिल साथ में लेके बैठो ताकि कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिएगी। क्लियर, सो यू हैव टू फाइंड आउट। सो डिजिटल मैथ्स पे इस तरह से हम लोग हर एक चैप्टर जो भी अपलोड करेंगे उसकी टेस्ट होती रहेगी, ताकि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो पता चलता रहेगा। क्लियर, सो देखो कुछ रूल्स है इस चैप्टर मीन्स टेस्ट के, तो वो रूल्स मैं आप लोग को बता देता हूँ। वैसे मैं हर बार हर वीडियो में जब भी टेस्ट लेता हूं तो बताता हूं, फिर भी अगेन, टेस्ट विल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड लाइव टेस्ट, नो कमेंट्स आफ्टर द टाइम पीरियड। मतलब आपके सामने 10 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो 1 मार्क का होगा। क्लियर, और आपको जैसे ही टाइम पीरियड, देखो नियरली अबाउट 15 मिनट्स का टाइम दूंगा मैं आप लोग को, 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोग को टेस्ट कंप्लीट करना है। जैसे ही मेरा ये वीडियो खत्म हो आप लोग का कमेंट आ जाना चाहिए, उससे बाद में मैं कोई कमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एज सून एज द क्वेश्चन अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन यू विल गेट ओनली 15 मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग योर टेस्ट। प्लीज कलेक्ट पेन एंड रफ नोटबुक एनओटी नोटबुक फॉर कैलकुलेशन। क्लियर, यहाँ पे मिस्टेक इस पहले मिस्टेक में कंसिडर नहीं किया। आंसर शुड बी इन कमेंट एंड विद इन द टाइम लिमिट एज सून एज द टेस्ट स्टार्ट्स। आफ्टर टेस्ट गेट्स ओवर नो कमेंट्स वुड बी कंसिडर्ड। मेन थिंग याद रखे, कोई भी कमेंट्स कंसिडर नहीं किए जाएगी। आंसर शुड बी इन फॉर्मेट, देखो आपका नेम पहले सबसे पहले अपियर होना चाहिए, नेम के बाद क्वेश्चन 1 का आंसर, यस नो, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और इस तरह से क्वेश्चन आपके कितने हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन तक 10 कमेंट्स आने चाहिए, और सारे के सारे सिंगल कमेंट में होने चाहिए, ये याद रखिएगा मेन थिंग। आपको ना ही लाइव चैट के अंदर सारे आंसर्स देने हैं, आपको कमेंट सेक्शन में सारे के सारे आंसर्स देने हैं, और सारे के सारे आंसर कमेंट सेक्शन के साथ साथ, कमेंट सेक्शन में तो देने ही है, प्लस उसके साथ साथ आपको एक ही कमेंट में होने चाहिए सारे के सारे 10 के 10 आंसर। ऑल 10 आंसर शुड बी इन सिंगल कमेंट, एक कमेंट के अंदर एक आंसर, दूसरे कमेंट के अंदर दूसरा, तीसरे कमेंट के अंदर तीसरा, अगर ऐसे दिया तो इट वुड बी नॉट कंसिडर्ड। मेन थिंग याद रखे, आपको एक कमेंट के अंदर ही सारे के सारे 10 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, और इस तरह से हम लोग जो भी नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करेंगे उसकी टेस्ट लेते रहेंगे, ताकि आप लोग उसको प्रिपेयर करें और प्रॉपरली आंसर्स दें, वो समझ में आए। क्लियर, सो आपके सामने क्वेश्चंस अपीयर हो रहे हैं, सो नोट डाउन, आपको सिर्फ 15 मिनट्स मिलेंगे, प्लीज मेक श्योर, मैं आपका मेरा अपना 15 मिनट्स का टाइम है, स्टार्ट कर रहा हूं। सो क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर 23,435 is divisible by 3, yes or no, आपका आंसर सिर्फ होना चाहिए yes or no, then is the number 2342354 means 23,42,354 is divisible by 6, yes or no. Question number 3, is the number 4,55,445, this is ये जो number आपके सामने दिख रहा है, divisible by 9, यस और नो, आपको यस और नो में ही आंसर देने हैं। इज द नंबर 8,65,987,2 दैट इज 86,59,872 इज डिविजिबल बाय 8, यस और नो। इज द नंबर 4,55,441 दैट इज 4,55,441 इज डिविजिबल बाय 10, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 6, इज द नंबर 568,670 that is 5,68,670 is divisible by 5, yes or no. Question number 7, is the number 4,234,446 that is 42,34,446 is divisible by 4, yes or no. Is the number 4,55,447 that is 4,55,447 divisible by 2, yes or no. Clear? एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपकी एक्सरसाइज 16.1 के बेस पे है, मींस ये आपका सॉल्यूशन दिख रहा है ए प्लस 4 मींस 2, और ये जो पूरा सॉल्यूशन उसमें ए और बी की वैल्यू बतानी है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो ये सारे क्वेश्चन जल्दी करें
ताकि आपको 9 और 10 में भी आपको कैलकुलेशन मीन बी और ए की वैल्यू इसमें भी बतानी है आपको। सो टेक योर टाइम, आपके पास अब 13 मिनट्स रिमेनिंग है, 13 मिनट्स के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। इन दो बाकी सब क्वेश्चन में यस और नो में आंसर आएगा, सिर्फ 9 और 10 के अंदर ए और बी की वैल्यू लिखनी है। तो आपको लिखना होगा ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, दोनों में क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 के अंदर। सो टेक योर टाइम, प्रॉपरली क्वेश्चन रीड करें, सारा कैलकुलेशन रफ में कैलकुलेट करें, पेरेंट्स की हेल्प ना ले प्लीज, क्लियर? तो आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। और प्लीज मेंशन इन वन कमेंट इटसेल्फ, आपके पास 12 मिनट्स 30 सेकंड्स रिमेनिंग है, सो टाइम ले आराम से और हर एक चीज प्रॉपरली कैलकुलेट करें, ठीक है? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए आपके सामने सिर्फ 10 क्वेश्चंस दिए हैं, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस बढ़ेंगे। सो फर्स्ट अटेम्प्ट पहले अच्छे से दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को टेस्ट में पॉसिबिलिटीज इजी लग रहा है, क्लियर? सो हम लोग इसी तरह से कंडक्ट करते जाएंगे। So take your time and give your answers. Take your time. Students, read the question properly. 10 minutes and 30 seconds are remaining. So please read the question properly and answer each of the questions. First test tha, isliye thoda easy banaya hai. So please prepare well. Thoda sa dhyan se test de. 10 minutes and 30 seconds. Now 10 minutes and 15 seconds remaining. Har ek question ko achhe se padh ke fir answer dena. First time isliye time bhi zyada mil raha hai aap log ko. नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ज्यादा होंगे, टाइम कम होगा, प्लीज मेक श्योर थोड़ी हैबिट डालो आप लोग को अपने आप को, ताकि इस तरह की सिचुएशन में आप हैंडल कर सको। कैलकुलेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली, आप लोग के पास जस्ट अब 8 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स रिमेनिंग है। तो हर एक क्वेश्चन को जल्दबाजी में कोई भी डायरेक्ट कमेंट ना कर दें प्लीज,
हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें और हर एक क्वेश्चन का आंसर एक ही कमेंट में होना चाहिए, याद रखें एक ही कमेंट में होना चाहिए। अलग अलग कमेंट में आंसर दोगे तो कंसीडर नहीं होगा, योर कमेंट शुड बी और योर आंसर शुड बी इन अ सिंगल कमेंट। सो प्लीज मेक श्योर प्रिपेयर योर क्वेश्चन शीट और आंसर शीट प्रॉपरली, और सबसे पहले अपना नेम लिखना ना भूले, यू शुड राइट योर नेम बिफोर इट। स्टूडेंट्स लास्ट 6 मिनट्स रिमेनिंग, प्लीज मेक श्योर आपने प्रॉपरली क्वेश्चंस पढ़े हो। मैं एक बार आपके सामने क्वेश्चंस एक और बार पढ़ रहा हूँ। इज द नंबर 23,435 डिविजिबल बाय 3, यस और नो? इज द नंबर 23,42,354 डिविजिबल बाय 6, यस और नो? इज द नंबर 4,55,445 divisible by 9, yes or no? Question number 4, is the number 86,59,872 divisible by 8, yes or no? Is the number 4,55,441 divisible by 10, yes or no? Is the number 5,68,670 divisible by 5, yes or no? Is the number 42,34,446 divisible by 4, yes or no? Is the number 4,55,447 divisible by 2, yes or no? Question number 9, 3a plus 24 gives b2. So, आपको prepare करना, देखना है कि इसके a की value और b की value क्या है, that you have to find out and you have to mention in comment. And question number 10, 1a into 4 equals to b2. So you have to find out here also a and b's value. So these are the 10 questions. Read the questions carefully and find out the answers. Please make sure find out the answers. Last 4 minutes and 15 seconds remaining.
ओके स्टूडेंट्स, लास्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग, प्लीज ट्राई टू कमेंट बिफोर द वीडियो गेट्स ओवर. आपके टाइम अप होने से पहले कमेंट कर दो, लास्ट 2 मिनट्स हैं. अब तक आपने सारे सारे के सारे आंसर्स फाइंड कर लिए होंगे, सो प्लीज मेक श्योर. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट 50 सेकेंड्स रिमेनिंग. अब आप लोग ने अगर कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज कमेंट कर दो, क्योंकि आप फिर बाद में आपका टाइम्स अप हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी हो गई होगी. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कमेंट. थर्टी सेकेंड्स रिमेनिंग. टेन सेकेंड्स रिमेनिंग. नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो. टाइम्स अप. प्लीज सी नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स विच एवर चैप्टर आई एम सेंडिंग और यू आर गेटिंग, प्लीज 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 प्रिपेयर योर सेल्फ वेल, because digital maths will take regular exams based on your preparation and you have to give your best. Clear? This will help you out to prepare for your each and every exam. आपकी exam के लिए बहुत मदद रहेगा. और याद रखें, अब तक आपने जिसने comment नहीं किया comment कर दो, क्योंकि मैं video end करने जा रहा हूँ. और इसी तरह से आप खुद भी exams दें और दूसरे students को भी help करें, वो भी exams दें, तो इसी तरह हमको follow करना, ताकि हम लोग रेगुलर जो भी चैप्टर्स अपडेट कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, दूसरे 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, हर एक स्टैंडर्ड के चैप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है. क्लियर? सो मैथ्स एंड साइंस मोस्ट प्रोबब्ली कोशिश रहेगी दोनों सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स हम लोग अवेलेबल कराएं. तो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ एंड गिव दी एग्जाम्स और हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें. क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच.